की सीरीज में, पेपर खंड को खंड खोक में, सामान्य विज्ञान की सीरीज में रसायन विज्ञान की आज एक महत्वपूर्ण सीरीज आपके बीच है, जिसका नाम है विभिन्न प्रकार के धातु तथा उनके अयस्क, जहां से आपके भर्ती परीक्षा में सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक, और आप लोग इस क्लास के अंत तक बने रहिएगा कॉपी और कलम लेकर। ये निःशुल्क क्लास आपके देशित और राष्ट्रहित में है, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। पहला प्रश्न है, आपके डिस्प्ले पर दिख रहा है कि बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है, तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। एकदम हलवा वाला प्रश्न है। तो देखिए, अगर हम बॉक्साइट की बात करेंगे किस धातु का अयस्क है, तो ये होगा एल्यूमिनियम का। किसका होगा? एल्यूमिनियम। माने इस प्रश्न का सही जवाब होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा एल्यूमिनियम। जो धातु ये अयस्क का क्या है? बॉक्साइट है। अगर हम जस्ता की बात करें, सर जस्ता का क्या है, तो बताइए जस्ता का क्या है? ये जिंक ब्लेंड है। अगर हम टिन टिन की बात करें, तो टिन का क्या है आपका? अयस्क कैसीटेराइट है। ठीक, बॉक्साइट उत्पादन में अगर अग्रणी राज्य देखें तो उड़ीसा आपका है। अगला सवाल आपके सामने है, बेयर की विधि में, बेयर की विधि में बॉक्साइड अयस्क का शुद्धिकरण हेतु पाचन किसमें होता है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। बेयर की विधि में बॉक्साइड अयस्क का शुद्धिकरण हेतु पाचन सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के 175 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर होता है। तो इसका क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड माने बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर बी बताया है, उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही है, माने बी वालों का राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा? बी वालों का राइट और सही आंसर होगा। चलिए और आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है आपके सामने, निम्नलिखित में आयरन पर जंग लगने के कारण कौन से है? मानी किस कारण से आयरन पर जंग लगता है? अगर आपको वीडियो साफ नहीं दिख रहा है तो वीडियो की क्वालिटी आप सभी लोग बढ़ा लीजिएगा, ताकि आपको पूरी तरह से HD में दिखने लगे। यह आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बैंक की सीरीज है, जो आपकी हूबहू आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। इसलिए इस क्लास के अंत तक बने रहिएगा, और हाँ, इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक करें या ना करें, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार। देखिए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीजन के साथ रासायनिक क्रिया, CO2 के साथ रासायनिक क्रिया, क्या होगा? देखिए यहाँ पर क्या होगा, एक ऑक्सीडेशन होगा। मैंने आयरन पर जंग लगने के कारण क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। फिर दूसरा कारण क्या है यहाँ पर? CO2 क्या है? ऑक्सीजन के साथ रासायनिक क्रिया, इसे ऑक्सीडेशन के नाम से हम जानते हैं। माने एक और तीन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। माने आयरन पर जंग लगने का कारण ऑक्सीकरण व रासायनिक क्रिया है। जंग लगने पर लोहे का भार अधिक हो जाता है, याद रखिएगा, जंग लगने पर लोहे का भार अधिक हो जाता है, बढ़ जाता है। लोहे पर जंग लगाना एक रासायनिक क्रिया होती है। क्या होती है? एक रासायनिक क्रिया होती है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह डी इसका राइट आंसर होगा। डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, हम आगे चल रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक लोहे की कील में जंग लग जाती है तो लौह ऑक्साइड का निर्माण होता है, से क्या होगा? भार में कमी होगा, भार में बिना किसी परिवर्तन के रह जाएगा, रंग में परिवर्तन नहीं होगा, भार में बढ़ोतरी होगा, यहाँ पर क्या होगा? अभी जस्ट हमने ऊपर बताया है, अगर लोहे में जंग लगेगा तो उसका परिणाम क्या होगा, बताइए। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं किए फेसबुक पे है? शेयर किए हैं, जल्दी से कमेंट कर बताइए आप, जल्दी से कमेंट करके बताइए मेरे प्यारे साथियों। आपकी बार एक सीट हमार, जल्दी कमेंट करिएगा सभी लोग, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए देखिए, यहाँ पर आप लोग को मैंने ऊपर पहले बता दिया था, इसके भार में क्या होगी? बढ़ोतरी होगी। इसका भार क्या होगा? बढ़ जाएगा। मैंने अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर डी दिया है, आप सभी का क्या होगा? पूरी तरह से ठीक सही है। हम आगे चल रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोई भी सवाल हो अंत में पूछिएगा, अभी केवल क्लास। जंग रष्ट का उदाहरण है, जल्दी से कमेंट कर बताइएगा, जंग रष्ट का उदाहरण है। जो भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, जल्दी से कमेंट करेंगे और दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। जंग रष्ट किसका उदाहरण है? यह है यौगिक का। किसका है? यौगिक का उदाहरण है। लोहे पर ऑक्सीकरण के से रासायनिक प्रक्रिया के कारण होता है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह आपका क्या है? यौगिक इसका राइट आंसर होगा। ठीक, कोई दिक्कत कोई समस्या अगर हो तो आप पूछ सकते हैं, जल्दी कमेंट करिएगा मेरे प्यारे शिक्षक साथी।
जल्दी से कमेंट करिएगा, क्योंकि अब की बार एक सीट हमारा। जल्दी से कमेंट कर बताइए मेरे प्यारे शिक्षक साथियों। देखिए आप लोग जब सवाल का जवाब देते हैं तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो हमारे साथ ही साथ आपके भी क्लियर हो जाते हैं। तो भैया पहले देरी मत करिए, सवालों के जवाब दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, कौन सा अलह धातु है, कौन सा अलह धातु है। ये सब परीक्षा वाले प्रश्न है। अगर आपको जूनियर शिक्षक भर्ती में एक सीट लेनी है ना तो मेहनत करनी पड़ेगी। नौकरी उतनी आसान नहीं है जितनी हम और समझते हैं, उतनी कठिन भी नहीं है जितना लोग बताते हैं। तो जल्दी से कमेंट कर बताइए सभी साथी, बताइए। जल्दी कमेंट कर बताइए। देखिए क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर, यहां पे एल्यूमिनियम होगा, एल्यूमिनियम होगा। क्या होगा? एल्यूमिनियम होगा। कैसे? आइए इसके बारे में देखते हैं। आयरन, निकेल, फास्फोरस, कोबाल्ट, ये सभी एक प्रकार के धातु हैं, जबकि फास्फोरस एक अधातु है। फास्फोरस क्या है? एक अधातु है, ठीक है। लेकिन एल्युमिनियम क्या है? अलौ धातु है। क्या है? अलौ धातु। लेकिन अगर कोबाल्ट की बात करें, निकेल की बात करें, आयरन की बात करें, एक एक ही वर्ग के धातु है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। धातु निम्नलिखित किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है? जल्दी से कमेंट कर बताइए कि धातु जो होती है निम्नलिखित किस प्रक्रिया के द्वारा गर्म होती है। जल्दी से कमेंट कर बताइएगा, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा मेरे प्यारे शिक्षक साथियों। इस देश के निर्माताओं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जल्दी से कमेंट करिए, दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। फटाफट कमेंट करिएगा मेरे प्यारे साथियों। चलिए आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। चालन, समहन, विकरण क्या होगा? यहां पर आपका उत्तर क्या होगा? धातुओं की प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है, यह होगा आपका चालन के द्वारा। किसके द्वारा? चालन के द्वारा। उष्मा का वह संचरण पदार्थ के अणुओं के द्वारा होता है। समहन में उष्मा का संचरण पदार्थ के कणों के हस्तांतरण के द्वारा होता है। विकिरण द्वारा उष्मा का संचरण निर्वात में होता है, ठीक। आगे वात्या भट्टी, ब्लास्ट फर्नेस उत्पादित होता है कहां? जल्दी से कमेंट करके जवाब दीजिएगा, जल्दी से कमेंट करिए, वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा, जल्दी से कमेंट कर बताइएगा। यहां पर होगा स्टील, यहां पर क्या होगा? स्टील इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। कैसे? इस भट्टी में अपचयन ईंधन के कार्बन एवं उसके जलने से उत्पन्न कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा इसमें आयरन ऑक्साइड को, लोहे को अपचित करने का कार्य सीओ द्वारा किया जाता है। इस प्रकार प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यहां पर क्या है आपका? नहीं नहीं स्टील नहीं होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, यहां पर होगा आपका कच्चा लोहा, कच्चा लोहा, कच्चा लोहा होगा। देखिए वात्या भट्टी उत्पादित लोहे को क्या कहते हैं? कच्चा, इसे पिग आयरन कहते हैं, सॉरी पिग आयरन कहते हैं, इसे पिक आयरन कहते हैं, सॉरी, ठीक। इसके बाद सभी प्रकार के लोहे होते हैं जैसे पिटवा लोहा, स्टेनलेस स्टील, स्टील इसके बाद आते हैं, ठीक है। इसके बाद सब आते हैं। इसका उत्तर ए होगा, ठीक है, कच्चा लोहा, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक। चलिए ए इसका राइट आंसर होगा। अगला है सवाल आपके सामने, वात्या भट्टी का जो प्रयोग होता है कहाँ होता है? वात्या भट्टी का प्रयोग निम्नलिखित में से कहाँ होता है? वात्या भट्टी का प्रयोग कहाँ होता है? अपचयन के लिए होता है। किसके लिए होता है? अपचयन के लिए होता है। इसमें कार्बन तथा उसके जलने पर उत्पन्न कार्बन मोनोऑक्साइड अपचायक का कार्य करती है। किसका? अपचायक का कार्य करती है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा आपका? यह होगा, ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोरंडम का प्रयोग निम्नलिखित में से निम्नलिखित रूप में किया जाता है? जरा कमेंट करिएगा और ये के प्रश्न का सभी लोग जवाब दीजिएगा, चाहे इसे फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं। जल्दी कमेंट करिएगा मेरे प्यारे साथियों। कोरंडम का प्रयोग, अगर कोरंडम का प्रयोग देखा जाए तो
एल्युमिनियम का अयस्क होता है, ये क्या होता है, यह एल्युमिनियम का अयस्क होता है, लिख लीजिएगा एल्युमिनियम का अयस्क होता है। और जब एल्युमिनियम का अयस्क होता है फिर इसका प्रयोग कहां होगा, जल्दी से बताइए, एल्युमिनियम धातु के निष्कर्षण के लिए किया जाता है, एल्युमिनियम धातु के निष्कर्षण के लिए किया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह आपका क्या होगा, वह डी का राइट आंसर होगा। क्या होगा, डी प्रश्न का सही जवाब होगा, माने जितने साथियों ने इस प्रश्न का उत्तर डी दिया है उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ऐसा कोई डाउट तो नहीं है ना आपके मन में। अगला सवाल, पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक क्या है, पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। यह भी एक मिश्रण है, वायु क्या है, गैसों का मिश्रण है। अगर हम पीतल की बात करें तो इसमें पीतल में तांबा 70%, जस्ता 30%, वायु भी क्या है, विभिन्न गैसों का मिश्रण है, क्या है, विभिन्न गैसों का मिश्रण है, ठीक। अगला, कांसा किसका मिश्र धातु है, कांसा किसका मिश्र धातु है, बताइए जल्दी कमेंट कर बताइएगा सभी साथी, चाहे इसे फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे इसे यूट्यूब पे देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं, इस प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा आप सब, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार। देखिए यहां पर कांसा जो है वो क्या है, यह कॉपर और टीन का मिश्रण है, क्या है, कांसा और टीन का मिश्रण है, ठीक है, क्या है, कांसा और टीन का मिश्रण है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, हाँ लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, इसमें अगर कॉपर की बात करें तो 68% होता है, और अगर टीन की बात करें तो लगभग 12% होता है, ठीक। पीतल में कॉपर तथा जिंक तथा जर्मन सिल्वर में अगर कहें तांबा और निकल जिंक होता है, ये 12% होता है। गन पाउडर में किसका मिश्रण होता है, गन पाउडर में किसका मिश्रण होता है, जरा कमेंट करके बताइएगा कि गन पाउडर में किसका मिश्रण होता है, जल्दी से कमेंट कर बताइएगा सभी साथी, फटाफट कमेंट करिएगा कि गन पाउडर में किसका मिश्रण होता है। यहाँ पर सल्फर चारकोल और सोरा का मिश्रण होता है, माने इस प्रश्न का सही विकल्प जो होगा वो 20 का राइट आंसर होगा, 20 प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्लियर, किसी को डाउट, कोई समस्या नहीं है ना, अगर हो तो पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां से कोई आपके मन में डाउट नहीं होगा, आगे चलते अगले प्रश्न की तरफ। आगे बढ़ते हैं, टाका क्या है, ठीक। अगला सवाल आपके सामने है, टाका क्या है, चलिए थोड़ा तेजी से हम लोग पढ़ते हैं। यह है आपका रंगा तांबा, रंगा सीसा, सीसा और तांबा क्या होगा। अगर टाका की बात करें जिसे हम सोल्डर कहते हैं, इसे क्या कहते हैं हम लोग, सोल्डर कहते हैं। आपने देखा होगा प्रायः तारों को जोड़ने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, सीसा कितना परसेंट, 68%, कितना 68% होता है, जबकि टीन 32% होता है, टीन 32% होता है, ठीक है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, जरा कमेंट करके बताइएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों को तारों के जोड़ने में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है, सोल्डर किस धातु का मिश्रण है, सोल्डर किस धातु का मिश्रण, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा टीन और लेड का मिश्रण होता है और ये इलेक्ट्रॉनिक तारों को जोड़ने में इसका काम आता है। अगला सवाल है आपके सामने, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर में कौन सब में पाया जाता है, कौन ऐसा है जो सब में पाया जाता है, जो सब में पाया जाता है, बताइए
यार वीडियो को शेयर कर दीजिए, आप लोग इतने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, आप लोगों ने लाइक किया है ना, शेयर किया है, इतनी तो मदद करिए, लोगों तक तो पहुंचा दीजिए, ताकि हम भी आपकी क्लास के लिए एनर्जेटिक रहें। यार ऐसे लग रहा है जैसे कोई मतलब ही नहीं आप लोग से। पीतल कांसा जर्मन सिल्वर में कौन सब में पाया जाता है? तो याद रखिएगा तांबा। तांबा पीतल में भी पाया जाता है, जैसे अगर हम पीतल की बात करें, ये आपके सिलेबस में है, पढ़ें या ना पढ़ें, आपके ऊपर। यूनिक प्रश्न की सीरीज है जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, एक क्विक रिवीजन हो जाएगी, वरना इन 45 दिनों में अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं ना, उतनी आसान नहीं है जितना आप सोच कर बैठे हुए हैं। यही हाल रहेगा भैया, तो हम लोग क्लास उतनी लंबी नहीं ले पाएंगे, ठीक है, अगर आप लोग इतना सपोर्ट नहीं करेंगे तो। यार कोई मतलब ही नहीं है। जर्मन सिल्वर की बात करें, इसमें भी क्या है, तांबा है, जस्ता है, निकिल है। हमने यहाँ पे देखा कि सब में क्या है, तांबा सब में पाया जाता है। तांबा क्या है, सब में पाया जाता है, ठीक। और मतलब कॉमन, जैसे सब्जियों में आलू कॉमन होता है, वैसे यहाँ पे देखा हम लोगों ने पीतल कांसा जर्मन सिल्वर में तांबा क्या है, कॉमन है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शीशा किसका मिश्रण होता है? शीशा किसका मिश्रण होता है? तो शीशा जो होता है रेत और लवण का मिश्रण होता है। चलिए हम तेजी से खत्म करते हैं, किसका होता है? जी हाँ, ये किसका होता है, रेत और लवण का मिश्रण होता है। अगला सवाल आपके सामने, पारा अयस्क है, किसका अयस्क है, जल्दी से कमेंट करके बताइए, पारा किसका अयस्क है, पारा किसका अयस्क है, जल्दी से कमेंट करिएगा, जल्दी से कमेंट बताइए, पारा किसका अयस्क है? कैलोमल का होता है, कैलोमल अयस्क है, ये मर्क्यूरस क्लोराइड, जी हाँ ये मर्क्यूरस क्लोराइड, इसे क्या कहते हैं, मर्क्यूरस, मर्क्यूरस क्लोराइड से होता है। पारिस का निष्कर्षण जो होता है सिनेबार नामक एसिड से करते हैं, ठीक, इससे करते हैं, सिनेबार नामक एसिड से करते हैं, सिनेबार नामक एसिड से किया जाता है, ठीक। इस प्रश्न का उत्तर होगा कैलोमर। अगला सवाल है आपका, एल्यूमिनियम कास्टिक सोडा में किसकी रचना कारण विलयन होता है? बताइए किसी कारण होता है, एल्यूमिनियम कास्टिक सोडा में सोडियम मेटा एल्यूमिनेट के कारण विलयन होता है। इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा, 20 का राइट आंसर होगा। ये सारे परीक्षा वाले सवाल हैं। चले आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु कौन सी है? तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु कौन सी है? जल्दी से कमेंट कर बताइएगा, कौन सी सबसे नमनीय धातु है, जल्दी से फटाफट कमेंट करिएगा। हिंदी साहित्य कंप्लीट हो गया इसके क्वेश्चन, और वो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सोना। क्या होगा, सोना इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ये धातु वर्धनी है, तार खींचने में सबसे, साहित्य पूरा क्वेश्चन सोना इस प्रश्न का सही जवाब होगा। हम आगे चलते हैं, यार एक साथ कई काम करने पड़ते हैं ना, अगली क्लास की भी तैयारी करनी पड़ती रहती है। अगला है, यदि किसी धातु के तार को उसकी प्रत्यास्थता सीमा या पराभव बिंदु से थोड़ा अधिक तानित किया जाता है तथा निर्मुक्त कर दिया जाता है तो क्या होगा? कमेंट करके जवाब दीजिएगा। ये सारे परीक्षा वाले सवाल हैं और परीक्षा वाले लैंग्वेज हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन सभी का ध्यान रखेंगे और इन सभी के हिसाब से दिए गए प्रश्नों का भी उत्तर देंगे। जी हाँ, इसमें क्या होगा, यह संकुचित होगी किंतु इसकी अंतिम लंबाई इसकी प्रारंभिक लंबाई से ज़्यादा होगी। जैसे रबड़ खींचते हैं ऐसे मान के रखिएगा। यहाँ पर प्रत्यवस्था किसी वस्तु के पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह किसी विरूपक बल द्वारा उत्पन्न आकार व आकृति के परिवर्तन का विरोध करती है। जैसे ही विरूपक बल हटा दिया जाता है वो अपनी पूर्वावस्था में आ जाती है, ठीक। चलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी का सही जवाब होगा, डी प्रश्न का सही आंसर होगा। अब की बार एक सीट हमारा, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है अगर आपको सरकारी शिक्षक बनना है। निम्नलिखित में से किस धातु का तार सरलता से खींचा जा सकता है? अभी अभी जस्ट हमने ऊपर पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग इसका उत्तर है। अगर तन्यता के अनुसार धातु देखें, अगर हम तन्यता के अनुसार प्रमुख धातु देखें तो सबसे पहले क्या आता है, सोना,
चांदी, फिर प्लेटिनम, फिर लोहा, निकेल, तांबा, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, जिंक, टीन, लेड आदि। ये सब क्या है? तन्यता के आधार पर क्रम है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा यहाँ पे? तांबा। दिए गए विकल्प के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी होगा। ठीक, सोना, चांदी, प्लेटिनियम, लोहा, निकल, तांबा, एल्युमिनियम, जिंक, टिन और लेड। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोई डाउट, कोई सवाल हो तो जरूर पूछ सकते हैं। अगला है, अम्लगम में रहता है। अम्लगम में रहता है, क्या रहता है? बस, पारा अन्य धातुओं के साथ मिलकर धातुई घोल बनाता है, जिसे हम अमल गम के नाम से जानते हैं। ठीक, क्या होगा? अमल गम इस प्रश्न का उत्तर राइट आंसर होगा। अगला है, किस तरह की वेल्डिंग प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड का खर्च होता है? किस तरह की वेल्डिंग प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड व्यय होता है या खर्च होता है? जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। अगर इलेक्ट्रोड की बात करें, हाँ राहुल जी, धन्यवाद आपका। इस समय कहाँ है आप? इस प्रश्न का उत्तर होगा आर्क। क्या होगा? आर्क होगा। आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड का व्यय होता है। इसमें वेल्डिंग राड की आवश्यकता होती है। क्या होती है? वेल्डिंग राड की। इस प्रक्रिया की जाने वाली वेल्डिंग मुक्त होने वाला ताप जोड़ी जा रही धातु को गला देती है, ताकि उसे प्रविभाज्य रूप में जोड़ा जा सके। बेसेमर प्रक्रिया का उपयोग किसमें होता है? बेसेमर प्रक्रिया का उपयोग किसमें होता है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा। बेसेमर प्रक्रिया का आविष्कार 1850 में कब हुआ था? 1850 में किसने किया था? हेनरी बेसेमर ने किया था। ठीक है, इस प्रक्रिया द्वारा ढलवा लोहे का उत्पाद बनाया जाता है। ढलवा लोहे को इस्पात बनाया जाता है। ढलवा लोहे को इस्पात बनाया जाता है। बहुत पुराना है ना? ठीक है, थर्मिक वेल्डिंग। कौन बनाया? आवाज देखिए, थर्मिक वेल्डिंग है। थर्मिक वेल्डिंग है क्या? एक प्रकार का प्रतिरोध, गैस वेल्डिंग, फ्यूजन वेल्डिंग, आर क्या है? जी हाँ, ये है फ्यूजन वेल्डिंग। है क्या? है फ्यूजन वेल्डिंग इसका सही जवाब होगा। ठीक, चलिए ये एक चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग पढ़ते जा रहे हैं। किसे स्ट्रेटजिक धातु कहते हैं? किसे स्ट्रेटजिक धातु के नाम से जानते हैं? सिलिकॉन, जर्मेनियम, टाइटेनियम, यूरेनियम। तो यहां पर ध्यान से देखा जाए, इसका उत्तर होगा टाइटेनियम। अगर हम टाइटेनियम, क्रेमियम, क्रोमियम, मैग्नीज, जर्कोनियम आदि धातुओं का उपयोग रक्षा सामग्री के बनाने के लिए किया जाता है। ये हल्की होती हैं, टूट फूट का सामना करती हैं और वायु में लंबे समय तक पड़े रहने पर भी इनका संक्षारण नहीं होता। इन धातुओं को सामरिक या रणनीतिक धातु कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? सामरिक धातु भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? सामरिक या रणनीतिक धातु कहते हैं। रणनीतिक धातु कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? आप लोग को इतना सपोर्ट करना चाहिए, लोगों तक पहुंचाना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे पढ़ना है पढ़िए। लोग 9:30 बजे क्लास में जरूर लाइव रहिएगा। 9:30 बजे पेपर फर्स्ट की स्पेशल सीरीज 50 प्रश्नों की होती है, जहाँ पे GS GK करंट UP स्पेशल की महत्वपूर्ण सीरीज आपके लिए होती है। अभी की बार एक सीट हमार।
निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? जल्दी से कमेंट कर बताइएगा। सल्फर। क्या होगा? सल्फर। प्रकृति में सल्फर मुक्त और शुष्क दोनों अवस्था में मिलता है। मुक्त अवस्था में सल्फर ज्वालामुखी क्षेत्रों में पाया जाता है, जैसे इटली, जापान, जहाँ प्रमुख रूप से, लेकिन बहुत क्रियाशील है, प्रकृति मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते अगले प्रश्न की तरफ। कोई भी क्लास होगी उसकी लिंक आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, सभी साथी डिस्क्रिप्शन में लिंक या दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग भी दुर्गेश पर जोड़ सकते हैं। सभी साथी जितने लोग अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए जरूर ज्वाइन कर लें, हर क्लास की लिंक, हर क्लास की पीडीएफ, हर क्लास की नोट्स, सब कुछ आपको यहाँ पर निःशुल्क मिलती रहेगी, देश हित में, राष्ट्र हित में। देखिए इसके बारे में अगर हम लोग ध्यान से देखें, इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा? स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है, क्रोमियम अगर देखा जाए तो 10%, अगर हम कार्बन की बात करें 0.25%, से लेकर लगभग 1.5% तक होता है। लोहा की बात करें अगर हम, तो इससे भी ज्यादा है। ठीक है, और लोहा अगर हम मैंगनीज की बात करें तो ये लगभग 0.35% है। तो यहां पर लोहा जो है सबसे पहले होगा, लोहा के बाद फिर क्रोमियम होगा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी राइट आंसर होगा, सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक, अगला, लोहे का शुद्धतम रूप क्या है? जल्दी कमेंट करके बताइएगा कि लोहे का शुद्धतम रूप क्या है। जो भी साथ इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पे, चाहे यूट्यूब पर, कमेंट जरूर करेंगे, लोहे का शुद्धतम रूप क्या है। यार आप लोग वीडियो को भी ना लाइक कर रहे हैं, ना शेयर कर रहे हैं, यार इतना तो कर सकते हैं, लोगों तक पहुंचा तो सकते हैं। लोहे का जो शुद्धतम रूप होगा वो क्या कहलाता है? वह पिटोवा लोहा कहलाता है। क्या कहलाता है? पिटोवा लोहा कहलाता है। इसमें कार्बन की जो मात्रा होती है वो 0.12% से लेकर 0.2% तक होती है। इसमें सबसे जो ढलवा लोहा होता है इसमें सबसे अधिक कार्बन की मात्रा होती है। ठीक, पिटवा लोहा का प्रयोग विद्युत चुंबक बनाने में, तार, जंजीर, जाली आदि बनाने में किया जाता है। स्टेनलेस स्टील का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जलवायु आदि के साधारण परिस्थितियों में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इत्सल्क चिकित्सा के लिए, बर्तन, मूर्ति आदि बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। किस खनिज अयस्क से लोहा पाया जाता है? जल्दी से कमेंट कर बताइएगा किस खनिज अयस्क से लोहा पाया जाता है, जल्दी कमेंट करिएगा। देखिए ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे, ऐसे जैसे आज आप लोग पढ़ रहे हैं। अगर आपने इन प्रश्नों को हल कर लिया, विज्ञान वर्ग या पेपर फर्स्ट सभी वर्ग के लिए महत्वपूर्ण है, बाकी कितना पढ़ा है, क्या पढ़ा है, आपके लिए माने रखता है। किस खनिज अयस्क से लोहा पाया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा हेमेटाइट। क्या होगा? हेमेटाइट। लोहे का निष्कर्षण हेमेटाइट करते हैं, जैसे Fe2O3। पायराइट भी लोहे का अयस्क है, पायराइट भी जो है यह भी लोहे का अयस्क है, किंतु इसमें लोहे की मात्रा कम होती है। अगर मुख्य लौहयुक्त पायराइट देखें तो आयरन पायराइट होती है, कैल्को पायराइट होती है, आर्सेनिक पायराइट होती है। ठीक, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी सही जवाब होगा। अगला, अधिकांश लोहा निम्न में से प्राप्त किया जा सकता है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, साइडेराटाइट, आयरन पायराइट। जी हाँ, हेमेटाइट इस प्रश्न का सही जवाब होगा, हेमेटाइट इस प्रश्न का सही जवाब होगा। हेमेटाइट लोहे का अयस्क है, इसका सूत्र भी जस्ट ऊपर हमने लिखवाया था, Fe2O3। यह भारत में अधिक मात्रा में पाया जाता है, लेकिन इससे अच्छा अयस्क मैग्नेटाइट है। इससे अच्छा अयस्क क्या है? मैग्नेटाइट है। किससे? हेमेटाइट से अच्छा मैग्नेटाइट अयस्क होता है, यह बात आप लोग जानते रहिएगा। हेमेटाइट अयस्क है, हेमेटाइट अयस्क है Fe, किसका? लोहे का, फेरस का। प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी। आगे चल रहे अगले प्रश्न की तरफ।
चुंबकीय पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि निम्नलिखित में से किस एस के सांद्रण में प्रयुक्त होती है? तो यह मैग्नेटाइट। चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग मैग्नेटाइट एस के सांद्रण में प्रयुक्त किया जाता है। कौन? मध्यकालीन, मध्यकालीन। इनमें से कौन सा बेमेल है? एकदम हलवा वाला प्रश्न है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा। यार वीडियो को मत शेयर करिए, मत लाइक करिए, लेकिन पूरे मनोयोग के साथ पढ़िए, उत्तर तो दीजिए। यहां पर गलती हो जाए परीक्षा में गलती मत करिएगा। कितनी बार मैंने आपसे बताया, यहां जितनी चाहे गलतियां कर ले परीक्षा में मत करिएगा। डेली क्लास की लिंक टेलीग्राम पर है। ऑनलाइन क्लास या नोट्स के संबंध में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर बात कर सकते हैं। यह क्लास फेसबुक पेज ई लर्निंग विद दुर्गेश, यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश पर निःशुल्क मेरे द्वारा उपलब्ध कराई जा रही। अन्य किसी क्लास की जानकारी आप यहां से ले सकते हैं। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करेंगे जो अभी तक टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं। इनमें से बेमेल कौन सा है? लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, इस्पात। यहां पर ध्यान दीजिएगा, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम एक धातु है, जबकि इस्पात क्या है? ये मिश्र धातु है। इस्पात एक मिश्र धातु है, बाकी सब एक धातु है। ठीक है, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम एक धातु है, जबकि इस्पात एक मिश्र धातु है। इसमें अधिकतर लोहा है, जबकि कार्बन की उपस्थिति लगभग 2% तक होती है। धातु पर विचार करना है। आरोही क्रम में घनत्व के आधार पर आरोही क्रम कैसे लगेगा? क्या आपको याद है? नहीं याद है? अगर अधिक जानकारी इस प्रकार, अगर प्लेटिनियम का घनत्व अगर हम देखें तो 21.5 होता है। अगर सोने का घनत्व देखें तो 19.3। अगर हम तांबे का घनत्व देखें 8.95। अगर हम सीसा का देखें 11.3। अब आपको आरोही क्रम में लिखना है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो आपकी जिम्मेदारी है कैसे आप लिखेंगे, यह आपकी जिम्मेदारी है कैसे आप इसे लिखते हैं। ये था अगला है। निम्नलिखित में से पॉलीमर है, कमेंट कर बताइएगा। देखिए, आपको सिलेक्शन लेना है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, इसलिए सारी क्लास को मनोयोग के साथ पढ़िए आराम से एकदम। पॉलीमर क्या है? स्टार्च होता है। क्या होता है? स्टार्च होता है जो मोनोसैकेराइड के कई अणुओं से जुड़ने से बनता है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी होगा। अगला, मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा कौन सा है? एकदम हलवा वाला प्रश्न है। अगर हम देखें मानव द्वारा संश्लिष्ट किया गया पहला रेशा कौन सा था, तो नायलॉन था। क्या था? नायलॉन था। ठीक, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते अगले प्रश्न की तरफ। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। अब की बार एक सीट हमार, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जी हाँ, ये निःशुल्क क्लास देशहित में, राष्ट्रहित में है। मैं तो गवर्नमेंट टीचर हो गया, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं जैसे बचे हुए समय पर आप लोग के लिए अपना बेस्ट देता हूँ, ऐसे आप लोग भी सिलेक्शन लें और उन गरीब परिवार के बच्चों को जो आपके प्राथमिक विद्यालय में आएंगे, जो आपके विद्यालय में पढ़ने के लिए आएंगे, उनको अपना बेस्ट दीजिएगा और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अपने नज़दीकी प्राथमिक विद्यालय में भेजिएगा और मिशन प्रेरणा को सफल बनाइएगा। सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है? हीरा इसका राइट आंसर होगा। हीरा इसका राइट आंसर होगा। इस प्रश्न का उत्तर डायमंड ए सही है। इसकी कठोरता सबसे अधिक होती है। अगर इसका देखा जाए तो ये मोह स्केल पे नापा जाता है। किस पे? मोह स्केल पर नापा जाता है। ये मोह स्केल पर, जहां पर हीरे की कठोरता जो होती है कितना होती है? 10 होती है। अगला, सर्वाधिक कठोर तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? एकदम हलवा वाला प्रश्न है। मोह स्केल के आधार पर ज्ञात तत्वों में हीरा सबसे कठोर है। हीरा क्या है? सबसे कठोर होता है। चलिए आज के लिए इतना ही।
फिर मिलते हैं अगली क्लास के लिए। आप सभी लोग ऑनलाइन क्लास से नोट्स के संबंध में अगर कोई जानकारी चाहिए ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस पर नंबर पर जानकारी ले सकते हैं। ये जौनपुर जनपद के सिराजहन से आपके लिए क्लासेस निःशुल्क देश हित में राष्ट्रहित में चलती हैं। आप लोग 9:30 बजे की क्लास जरूर जुड़िएगा। शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा का फर्स्ट पेपर 50 नंबर जैसा पेपर में आएगा ऐसी सीरीज आपके लिए चलती है। कॉपी कलम लेकर बैठेगा। साथ ही साथ सुबह 6:30 बजे करंट की सीरीज चलती है सूरज की पहली किरण के साथ। फिर 7 बजे से लेकर रात के सुबह 6:30 से रात के 11-12 बजे तक लगातार क्लास है, जिसकी लिंक आपको टेलीग्राम पर मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हो सके तो वीडियो को अपने साथी मित्रों तक पहुंचाइएगा, हो सके तो अपना बेस्ट दीजिएगा, क्योंकि आपकी मेहनत ही आपकी नौकरी का आधार बनेगी। यह सीरीज आपको यह बताने के लिए होती है कि आप अभी कितने पानी में है, कितना आपको पढ़ना है, क्या कमियां रह गई हैं और कितना हद तक प्रश्नों को सही कर पाते हैं। बाकी आपका सारा मेहनत आपकी परीक्षा में दिखेगा, तो लगे रहिएगा। जी हाँ, ये बहुत बड़ा चैलेंज आपके लिए है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार। जी हाँ, 2017 का मान्य होगा, बनवा सकते हो तो बनवा लीजिएगा, नहीं तो मान्य होगा। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। डेली क्लास की टाइम आप लोग नोट कर लीजिएगा, डेली टाइम से लाइव आ जाया करिएगा, ठीक है। नौकरी इतनी आसान नहीं जितना आप समझते हैं, उतनी कठिन भी नहीं है, ठीक है। बाय बाय।